आपने जैसे बताया कि हार्ट के इश्यूज आ सकते हैं, तो फॉरेन कंट्रीज में ये एज का वो उन्होंने नहीं लिखा, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि इंडियन लेवल पे या इंडियन गवर्नमेंट के लेवल पे एज कम रखी जाती है, और फॉरेन में जो हमारे कह लो एज भी होते हैं वो देख के लगता भी नहीं कि इनकी एज 60s में है, 70s में है। तो ऐसा है कि हमारे हमारी अगर इंडिया की देखें पॉपुलेशन बहुत सारी है, उतने डॉक्टर्स नहीं हैं, तो डॉक्टर टू पेशेंट की पॉपुलेशन कम है। जो बाहर की कंट्रीज़ हैं उसमें पॉपुलेशन कम है, डॉक्टर्स भी उतने हैं, तो अगर कोई लेट भी उनकी प्रेगनेंसी होती है तो उतने डॉक्टर्स हैं जो उतने पेशेंट्स को संभाल लेंगे। पर हमारे ऊपर हेल्थ का बर्डन बहुत ज़्यादा है, अगर इतनी ओल्ड एज में लेडीज़ प्रेगनेंट होके आएंगी तो हेल्थ स्ट्रक्चर पर बर्डन बहुत ज़्यादा है, तो वो हम इंडिया में ध्यान नहीं रख पाएंगे। तो इंडिया के हिसाब से ये कट ऑफ बिल्कुल ठीक है। जी मैम, आपने स्टार्टिंग में बताया कि राइट एज जो है फर्स्ट बेबी की कंसीव करने का 30 के पहले पहले होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी करियर गोल कह लो, गोल ओरिएंटेड भी कहते हैं, सब बोलते हैं कि 30 की एज तो मैरिज की एज भी नहीं कहीं समझते, बट आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? क्योंकि डॉक्टर्स की एडवाइस मेरे ख्याल से बहुत सारी ऑडियंस में, बहुत सारी गर्ल्स ये होंगी सोच रहे होंगे कि अभी करियर सेट कर ले फिर मैरिज, फिर उसके बाद 2 साल बाद बेबी प्लान करना है कुछ। राइट, सो वैसे 30 ईयर्स इसलिए रखा जाता है साइंटिफिकली, क्योंकि जो है एज के साथ एग्स की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, तो फीमेल में ज़्यादा एविडेंट होती है, मेल्स में इतना नहीं पता चलता। तो जब हम करियर वाली लाइफ में होते हैं हमारा ध्यान नहीं होता इस पर, बट अगर आपने करियर परस्यू करना है, जैसे बॉलीवुड के एक्टर्स वगैरह भी क्या करते हैं कि वो अपना करियर करते रहते हैं, लेकिन राइट एज पे 30 ईयर्स पे अपने जो एग्स हैं वो फ्रीज करवा देते हैं IVF लैब में। तो जब उनकी बाद में शादी होती है, एज उनकी बॉडी के हिसाब से उनके एग्स उतने अच्छे नहीं होते, लेकिन जो फ्रीज किए होते हैं एग्स वो यूज़ कर सकते हैं। तो जिनकी लेट मैरिजेस और करियर पे ज़्यादा ध्यान है वो इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, पर एज का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, जैसे आपने बताया जो बॉलीवुड एक्टर्स करते आ रहे हैं, क्योंकि हमेशा देखने को मिलता है कि बाकी IVF या फिर आफ्टर मतलब ज़्यादा एज के जो बच्चों की जब प्रेगनेंसी के बाद होते तो वो प्रॉपर लुक लाइकनेस नहीं आती, बट बॉलीवुड के कैसे इतने मतलब बिल्कुल पेरेंट्स की तरह वो सेम पर्सनैलिटी उनकी ग्रो करके आती है। राइट, सो क्योंकि उनके ना एग्स टाइम पे फ्रीज हो जाते हैं जब हेल्दी होते हैं, और जब इनकी चाहे बाद में जब इनको प्रेगनेंसी चाहिए होती है तो ये वही एग्स यूज़ करके अपनी बॉडी में डाल लेते हैं। तो अब उनके अंदर के जो एग्स हैं उनकी एज तो वही 30 ईयर्स वाली चल रही है, चाहे वो उसका मैटर नहीं करता कि सेल्फ की जो एज है वो 35 है, तो अंदर तो बेबी हेल्दी डेवलप होगा। सो हमें आई थिंक इट इज़ अ बहुत अच्छा आइडिया है कि जिन्होंने लेट मैरिजेस करनी है वो इस बात का ध्यान रखें ताकि प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम ना हो और उनकी करियर भी चले। ये सेफ रहता मैम जैसे आप? हाँ जी, ये बिल्कुल सेफ मेथड है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं।